सर्वेंट कश्मीर, अगर हम बात करें, हम कश्मीर का नाम लेते हैं, हमने अपने वैसे ओवर बाकी पंजाब या सिंध या बलोचिस्तान या केपी के लिए क्या किया? नशा सस्ता ही किया बस। फ्यूचर में भी यही प्लान है? लग तो रहा है मजीद सस्ता कर देंगे, उसी सस्ता कर दे, लेकिन अब तो काफी ऊपर चला गया। मैं कह रहा थोड़ा सा कम करें। जापान सर, मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ कि आपकी नियर अबाउट है पाकिस्तान के, पाकिस्तान को उसका बॉर्डर लगता है। चाइना, लेकिन नहीं, ये आपका नेबर कंट्री इंडिया है। हाँ, या मलेशिया हो सकता है। मलेशिया हो सकता है, तो मलेशिया या सिंगापुर हो सकता है। सर ये आपका नेबर कंट्री इंडिया लगता नहीं मुझे। इंडिया क्या वजह है, इंडिया क्यों नहीं लग रहा? इतनी डेवलपमेंट नहीं हो सकती ना, इतनी डेवलपमेंट नहीं हो सकती सर। प्यारा वो लग रहा है उनका सारा जो है ना, बहुत प्यारी कंट्री लग रही थी। मैंने पहले आपको कहा पेरिस लग रहा है, फिर दूसरी बार मैं दोबारा यूरोप या दुबई वगैरह इस तरह का लग रहा है। अच्छा सर, जिस तरह से इंडिया तेज़ी से ग्रो कर रहा है, आपको लगता है कि हमने आज तक अपने लिए क्या किया, क्या कितनी डेवलपमेंट की है पाकिस्तान में ना? जब तक हमारे ऊपर वाले नहीं ना ठीक होंगे, बल्कि ऊपर वाले क्या, मैं कहता हूँ जब तक कौम नहीं ना ठीक होगी तब तक ऊपर वाले भी कुछ नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? तलाल। तलाल सर क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं, स्टडी में क्या कर रहे हैं आजकल? मैं आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। बेसिकली जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक वीडियो दिखाऊंगा, वीडियो देखकर आपने ये गेस करना है ये कौन सा मुल्क है और उस मुल्क का ये सिटी कौन सा हो सकता है। अंदाज़ा नहीं है मुझे क्या होगा। कंट्री गेस करें कि कंट्री कौन सी हो सकती है जहाँ पे मतलब इस तरह का इन्वायरमेंट आप देखें और आपको अच्छा लगे। थाईलैंड लग रहा है मुझे। थाईलैंड लग रहा है, लेकिन सर नहीं, थाईलैंड नहीं है। थाईलैंड नहीं है। कहाँ पे इस तरह की बिल्डिंग स्ट्रक्चर हो सकता है? जापान। जापान सर, मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ कि आपकी नियर अबाउट है पाकिस्तान के, पाकिस्तान को उसका बॉर्डर लगता है। चाइना, लेकिन नहीं, ये आपका नेबर कंट्री इंडिया है। हाँ, पेरिस। क्या वजह लगती है कि आपने पेरिस कहा? क्या डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छी हुई है? बिल्डिंग्स, लाइट्स वगैरह, और मतलब के ये ना बड़ा प्यारा लगा, मतलब काफ़ी प्यारा। लेकिन सर ये पेरिस नहीं है। पेरिस नहीं है, ये एशिया में है। एशिया में कौन सा मुल्क हो सकता है? यूएई होगा। यूएई होगा, दुबई। हाँ नहीं सर, ये आपका आपके आसपास है, आपको भी नहीं है। दुबई भी नहीं है, मतलब नेबर कंट्री आप गैस करें कि बिल्कुल नेबर कंट्री है आप। नेबर कंट्री इंडिया। इंडिया आप लगते हैं इंडिया में इतनी तरक्की हो सकती है? कसम से इंडिया नहीं लग रहा यार, लेकिन इंडिया ही है। मतलब उसका मैंने पहले देखते सर बिल्डिंग्स वगैरह, मैंने कहा पेरिस या कोई यूरोप कंट्री होगी। आपका नाम? मोहम्मद इस्लाम रशीद नाम है। सर क्या करते हैं आप? मैं फूड पांडा राइडर हूँ। फूड पांडा राइडर है। सर बेसिकली जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक वीडियो दिखाऊंगा, वीडियो देखकर आपने सिर्फ ये गेस करना है ये कौन सा मुल्क है और उस मुल्क का ये सिटी कौन सा हो सकता है। ये मेरे ख्याल में ये यूके है। यूके है, गौर से देखिएगा क्योंकि यूके नहीं है। आई डोंट नो, गेस कर ले मजीद कोई आसपास है हमारे एशिया में है। या मलेशिया हो सकता है। मलेशिया हो सकता है, तो मलेशिया या सिंगापुर हो सकता है। सर ये आपका नेबर कंट्री इंडिया है। लगता नहीं मुझे इंडिया। इंडिया क्या वजह है, इंडिया क्यों नहीं लग रहा? इतनी डेवलपमेंट नहीं हो सकती ना, इतनी डेवलपमेंट नहीं हो सकती सर। एशियन कंट्री लग रही है कोई तो। एशियन कंट्री लग रही है, बिल्कुल आप तकरीबन एशियन कंट्री में अगर पहुंच गए हैं तो फिर नियर अबाउट भी आप पहुंच जाएंगे। श्रीलंका। श्रीलंका सर, लगता है श्रीलंका इतना डेवलप्ड है जैसे कि पीछे भी हालात देखे हैं आपने, वो तो डिफॉल्ट हो चुका था। बिल्कुल। अच्छा तो फिर इंडिया हो सकता है। इंडिया हो सकता है, बिल्कुल आपने सही गेस किया, ये आपका नेबर कंट्री इंडिया है। क्या कहेंगे अगर इंडिया इस हवाले से अगर आप उसकी डेवलपमेंट देख रहे हैं तो इंडिया इस टाइम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है। और जैसे कि अभी क्या कहेंगे पाकिस्तान के जो क्रिटिकल कंडीशंस हैं, पाकिस्तान के जो हालात देख रहे हैं, क्या पाकिस्तान का फ्यूचर देख रहे हैं आप? हम तो बर्बाद ही होता देख रहे हैं पाकिस्तान को, कोई हालात नज़र नहीं आ रहे। इकॉनमी इतनी अनस्टेबल है कि
इधर क्या कहते हैं पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं खत्म होते, आपस में इनके मामला नहीं खत्म होते। पॉलिटिशियन के हवाले से क्या कहेंगे, जिस तरह के हालात देख रहे हैं इंस्टेबिलिटी नजर आ रही है आपको, ये कुछ स्टेबल कब तक होगा, कोई उम्मीद है पाकिस्तान से? ये जो आजकल लोग लगे हुए इमरान खान कर रहे हैं वो भी बेशक आज है, लेकिन जो मुल्क के हालात है ना वो आ भी गया तो उसको भी जाहिर बात है टाइम लगना ही लगना है, उसने भी 3-3.5 साल लेने ही है इस मतलब सारे मामला को स्टेबल करने के लिए। 75 ईयर गुजर गए हैं, 75 ईयर्स में अगर देखें इंडिया ने बड़ी तरक्की की है, बिल्कुल ऐसी है, और हर लिहाज से किसी एक सेक्टर की बात नहीं कर रहा, अगर किसी एक सेक्टर में भी हम उनसे आगे हैं तो बताएं हमें। मेरा नहीं ख्याल हर सेक्टर में हम उनसे पीछे हैं, क्या रीज़न है? हमें कुछ ग्रो करने के लिए क्या इकदाम करना चाहिए, उनसे कुछ सीखना चाहिए? चोर लुटेरे पड़े हुए हैं मुल्क और क्या कर सकते हैं सर। 1971 की बात कर लें तो बांग्लादेश हमसे बाद में अलहदा हुआ था, हाँ जी, जिसको हमने कहा था कि जी उसका टका किसी काम का नहीं है, आज वो भी ग्रो कर गया हमसे, उसकी भी करेंसी जो है वो एक वैल्यू रखती है, जिसको टका जिसको हम कहते थे ये बस किसे टके था नहीं, बस बात ये है। फिर वही बात है कि आपस में पॉलिटिशियन के मसले नहीं ख़त्म होते, ये आपस में इत्तेहाद करें, आपस में क्या कहते हैं मतलब इन सारे मालों से पीछे हट के मुल्क का सोचें, फिर ही जाके कुछ बन सकता है, ऐसे तो नहीं कुछ हो सकता, ऐसे कुछ नहीं हो सकता। लास्ट पर देखने वाली ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहें? पर यही है कि इमरान खान को सपोर्ट करो, ये चोरों डाकुओं से जान छुड़ाओ अपनी, बस। क्या कहेंगे आप, वहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो दुनिया की, इस टाइम इंडिया जो है दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, अगर बात करें पाकिस्तान की तो क्या पाकिस्तान की सूरत हाल देख रहे हैं, और इंडिया को देखा जाए तो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। मतलब जैसा कि आपने मेरा जवाब सुना है, देखते साथ मैंने आपको पहला कहा है कि पेरिस लग रहा है, ठीक है, यानी कि इतनी डेवलपमेंट, मतलब इतना प्यारा वो लग रहा है उनका सारा जो है ना, बहुत प्यारी कंट्री लग रही थी, मैंने पहले आपको कहा पेरिस लग रहा है, फिर दूसरी बार मैं दोबारा यूरोप या दुबई वगैरह इस तरह का लग रहा है। अच्छा सर, जिस तरह से इंडिया तेज़ी से ग्रो कर रहा है, आपको लगता है कि हमने आज तक अपने लिए क्या किया, क्या कितनी डेवलपमेंट की है पाकिस्तान में ना, जब तक हमारे ऊपर वाले नहीं ना ठीक होंगे, बल्कि ऊपर वाले क्या मैं कहता हूँ, जब तक कौम नहीं ना ठीक होगी तब तक ऊपर वाले भी कुछ नहीं कर सकते। हमारा कोई मुकाबला है ही नहीं उनसे, पहली बात, ठीक है। हमारे यहाँ पे पॉलिटिशियंस जो हैं उन्होंने बस यही है कि एक दूसरे की सीट में जाना है, एक दूसरे के खिलाफ करना है, ठीक है, बस यही करना है। वहाँ पे जो एक हुक्मरान चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, ठीक है, वो अपने कौम को लेके चल रहा है, चाहे वो मुसलमानों के खिलाफ है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो अपनी कौम के साथ तो ठीक है। अच्छा सर, हम ना अक्सर बात करते हैं कश्मीर की कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आपको लगता है जिस तरह की डेवलपमेंट हमने की है, या हमारे हालात के हवाले से अगर मैं बात करूं, अगर हम अपने नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, वहां पे कश्मीर पे जिस तरह से वो डेवलपमेंट कर रहा है, क्या देख रहे हैं आप? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जो है ना, ये गलत है, कश्मीर कश्मीर ही बनेगा, पाकिस्तान पाकिस्तान ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये मसला ना कभी ख़त्म होना है। सर, इंडिया इस टाइम तेज़ी से तरक्की कर रहा है, और तरक्की करने के साथ साथ वो वहाँ पे डेवलपमेंट भी कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, बल्कि वहाँ पे जो कि UAE और जापान बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो आने वाले टाइम में वो एक स्विट्ज़रलैंड बनाने जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर, तो आपको लगता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? वो जब क्या कहते हैं स्विट्ज़रलैंड बन रहा है तो फिर पाकिस्तान क्यों बनेगा? यानी कभी पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहेगा? जब स्विट्ज़रलैंड बन गया तो फिर पाकिस्तान का हिस्सा क्यों बनेगा? सवाल तो है, क्या कहेंगे इस पे आप? बस क्या कहना है कि अब पाकिस्तान क्या करे उस कश्मीर का जो उसके हाथ नहीं आता, जो आज़ाद कश्मीर है हमारे पास, हमने उनके लिए क्या किया है? वो आज़ाद नहीं है, गुलाम कश्मीर है वो भी गुलाम कश्मीर है सर्वेंट कश्मीर। अगर हम बात करें, हम कश्मीर का नाम लेते हैं, हमने अपने वैसे और बाकी पंजाब या सिंध या बलोचिस्तान या KP के लिए क्या किया? नशा सस्ता ही किया फ्यूचर में भी यही प्लान है, लग तो रहा है मजीद सस्ता कर देंगे, मजीद सस्ता कर दे, लेकिन अब तो काफ़ी ऊपर चला गया है, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा कम करें, आम आदमी भी जिए, ठीक है। लास्ट पर देखने वाली ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहें, आप एज अ स्टूडेंट है। अच्छा, मैसेज देना चाहें, नशे से दूर रहें, ठीक है, अगर सस्ता है तो पी लें, महंगा हो तो फिर ना पिए। तो आप भी पीते हैं? नहीं, मैं नहीं पीता।